स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ने जा रहे हैं। टुगेदर। ओह ये, I'm so excited। Our dreams are finally coming true, जान। या हम दोनों को स्कॉलरशिप मिल गई है। Yes, baby, I know। हमारे पेरेंट्स कितने खुश होंगे। हम दोनों साथ में होंगे लंदन में। मैं तो बोलती हूँ हम ना ओरिएंटेशन के 1 month पहले ही चले जाते हैं। Yes, why not? Yes, let's get introduced to London। एक मिनट, हमारे ओरिएंटेशन के डेट क्या है? आज की डेट क्या? Wait, let me check। Baby, today is 22nd. Hello? Hello? Baby, you there? हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ. But hello. This can't be true. I'm pregnant. मेरी जिंदगी में कब कहाँ कैसे होगा मैंने सब तय करके रखा था. मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स, मेरा लॉ स्कूल, मेरी शादी, यहाँ तक के मेरे बच्चों का नाम भी. लड़का हुआ तो अक्षय, लड़की हुई तो ऐश्वर्या. पर मैं 19 साल में माँ बन जाऊंगी या अपने ड्रीम्स खुद तोड़ दूंगी ये नहीं सोचा था. मॉम एंड डैड, उन्होंने मुझे मुंबई पढ़ने के लिए भेजा था और मेरे लॉ स्कूल के स्पॉन्सरशिप से वो बहुत खुश होते. पर जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी, उन्हें कैसे बताऊंगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कैसे बताऊंगी फादर ऑफ माई अनमेट चाइल्ड इज नीरज. नीरज, he's kind. मेरा बहुत ख्याल रखता है. हमारे पेरेंट्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं. हम दोनों के घर में बचपन से तय था कि नीरज और मैं एक दिन शादी करेंगे. इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें एक साथ मुंबई आने दिया और हमारे लंदन लॉ स्कूल के ड्रीम के लिए वो हमसे ज़्यादा खुश थे. पर अब क्या? पता नहीं. देखो, तुम जो चाहोगे हम वही करेंगे. और तुम क्या चाहते हो? चाहत तो लंदन स्कूल जाके लॉ करने की है, अपने ड्रीम्स पूरे करने की है. We should have planned. हमें केयरफुल होना चाहिए था, हमें प्रोटेक्शन यूज कर लेना चाहिए था. शायद हमें करना ही नहीं चाहिए था. You are right. We
should have waited. अब क्या? पापा जी मेरी बात तो सुनिए। ओए इस वास्ते भेजा से तेनु मुंबई? खुद का कच्चा धोना नहीं आंदा, बच्चे का कच्चा धोएगा? नाक कटवाती काजू तू? भाई, भाई मॉम। दुनिया को क्या जवाब देंगे? तुझे लगता है बच्चा संभालना आसान है? पता है बच्चे की स्कूल की फीस, डॉक्टर का खर्चा कितना होगा? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, शर्म आती है मुझे तुझ पर। बेबी डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई, डोंट। ये लोग बहुत बड़ा चौड़ा बोल रहे हैं, सब कुछ नहीं होगा। अरे सुनो, जस्ट थिंक अबाउट इट, विल बी यंग कूल पेरेंट्स। मैं कॉलेज छोड़ के जॉब ज्वाइन कर लूंगा ना, आई विल बी द बेस्ट फादर, ट्रस्ट मी। देखो बच्चों के डायपर भी चेंज किया करूं, उनको खाना भी खिलाऊंगा मैं पॉटी भी साफ कर दूंगा बच्चों की। Are you sure? Yes, I'm sure. We are going to be parents. You know what? I'm very excited. Me too. सर मैंने आपको भेजी, आप एक बार चेक कर लीजिए ना। सर आप एक सेकंड रुकिए, मैं अभी वापस चेक करके भेज रहा हूँ आपको। सर 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 प्लीज सर एक सेकंड। तुम्हारी टांग थी ना डायपर चेंज करने की? यार ऑफिस में बात कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? घर में राशन भी भरना होता है, डायपर चेंज करता रहा तो हो गया मेरा। तो क्या सारे काम मैं ही करूँ? तुम्हें पता है ना पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है और मैं कितना थक जाती हूँ। हाँ मैं तो लंदन आई के सामने बैठ के चिल कर रहा हूँ। Don't start it again, okay? मेरे भी ड्रीम्स टूटे हैं। हाँ तो मेरी गलती है क्या? नहीं, सारी गलती तो मेरी है। कोई माँ अपने बच्चे को गलत कैसे कह सकती है? लेकिन सच तो ये है, मैंने गलती की, आप मत कीजिए। Thank you.